गणेश जी। हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारे विघ्नहर्ता है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमारे गणेश जी के सभी अंगों हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं? जैसे कि गणेश जी का मस्तक, जो कि बहुत ही बड़ा है, वो हमें ये सीख देता है कि हमें लाइफ में बड़ा सोचना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे उलझना नहीं चाहिए। हम बड़ा सोचेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। फिर गणेश जी का कान, गणेश जी का कान भी बहुत बड़ा है। वो हमें ये बताते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम सुनेंगे तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, तब हम नॉलेज इकट्ठा कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। फिर गणेश जी की आँखें, गणेश जी की आँखें हमें ये सीख देती है कि हमें कोई भी एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, एक ही टाइम में फक्त एक ही काम करना चाहिए, तभी हमारा काम सफल होगा। फिर आते हैं गणेश जी का मुंह। गणेश जी का मुंह शुंड के नीचे दबा रहता है, बहुत ही कम दिखता है। इसीलिए गणेश जी का मुंह हमें ये सीख देता है कि हमेशा कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए हमारा मुंह का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। फिर गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, तो गणेश जी का ये टूटा हुआ दांत हमें सीख देता है कि लाइफ में हमारे साथ जो भी होता है, बुरा या अच्छा, उसका हमें स्वीकार करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। फिर गणेश जी का बड़ा पेट, गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये सीख देता है कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी, दुख या सुख, सबको हमें स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सुख और दुख हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। सुख में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और दुख में हमें टूट नहीं जाना चाहिए। फिर गणेश जी के हाथ में कमल है, तो गणेश जी का इस कमल वाले हाथ हमें सीख देते हैं कि हमें लाइफ में ऊपर उठना चाहिए। गणेश जी के एक हाथ में कुहाड़ी है, जो हमें सीख देती है कि हमेशा बुराई का सामना करना चाहिए, बुराई से लड़ना चाहिए। फिर गणेश जी के हाथ में मोदक होते हैं, तो इस मोदक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारा काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, उसका फल हमें मिलता ही है। तो मोदक हमें ये सीख देता है कि हमें हमारा कर्म का फल मिलता ही मिलता है। गणेश जी के पैर, गणेश जी के पैर में से एक पैर जमीन के ऊपर होता है और गणेश जी का दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ होता है। तो गणेश जी का वो जमीन वाला पैर हमें सीख देता है कि हमारी लाइफ में हमारे रूटीन काम तो हमें करने ही हैं, जैसे कि पैसे कमाना, लाइफ को एंजॉय करना, पर दूसरा पैर जो ऊपर उठा हुआ है वो हमें सीख देता है कि उसके साथ साथ हमें धर्म से भी जुड़े रहना चाहिए। तो गणेश जी के पैर हमें ये सीख देते हैं। फिर गणेश जी का मूषक, मूषक गणेश जी का वाहन है। वो हमें ये सीख देता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सबको समान नज़र से देखना चाहिए, सबको समान सम्मान देना चाहिए। तो इस तरह से गणेश जी के सारे अंगों भी हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।